नमस्कार दोस्तों, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट है। और काफ़ी समय से कई विद्यार्थियों का मुझसे सवाल भी रहा है कि राजस्थान कोर्ट में कब वैकेंसी आने वाली है, और उसी से जुड़ा हुआ आज का अपडेट है। और उस समय सूचना नहीं होने की वजह से मैं आप सभी को रिप्लाई भी नहीं देता था, लेकिन आज अपडेट है और उसी अपडेट पर हम बात करेंगे कौन से पद खाली हैं, कितनी संख्या में खाली हैं और कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। चलिए देखिए, न्यूज़ पर चलते हैं, वहीं से आपकी सारी बातें क्लियर होगी। चलिए सबसे पहले मैं मुद्दे की बात करना चाहूँगा। यहाँ देखिए, विभिन्न पदों पर खाली पदों का विवरण, कौन कौन से पद खाली हैं और कितनी संख्या में खाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा। आप सभी ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल बन चुके हैं, वो दिन भर में कई वीडियोस अपलोड करते हैं, बताते कुछ और हैं, अंदर कुछ और निकलता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं जो जानकारी देता हूँ आप सभी को बिल्कुल सही जानकारी होती है, जिसमें आपको भ्रमित नहीं किया जाता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही जानकारी बाकी लोगों तक पहुँच पाएगी, सही जानकारी पहुँच पाएगी, क्योंकि भ्रमित करने का आप सभी को बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सटीक जानकारी ही आपको मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पर। यहाँ देखिए, खाली पदों का विवरण, अब देखिए लगभग इसमें 15 प्रकार के खाली पद हैं, अब आपके सामने हैं। यहाँ देखिए कौन कौन से पद हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड प्रथम द्वितीय हिंदी और अंग्रेजी का होता है, और पदों की संख्या भी अच्छी ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर के पद हम हमेशा इतने नहीं आते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, स्टेनोग्राफर जो ये स्टेनोग्राफर की जो भी वैकेंसी आती है, इनमें एक तो कंपटीशन कम होता है, क्योंकि स्टेनो सीखना सभी की बस की बात नहीं है, काफ़ी पेशेंस रखना होता है, 5 से 6 महीने की स्टेनो की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो स्टेनो जो सीख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका है, और यहाँ पर न्यूज़ में भी दिया गया है जल्द शुरू होगी भर्ती। चलिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए और कौन कौन से पद हैं। PM कम कार्यकारी अफसर, लिपिक ग्रेड प्रथम द्वितीय, रीडर ग्रेड प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रोटोकॉल कम प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ मुंसरिम कार्यालय सहायक, शी रिश्तेदार प्रथम द्वितीय तृतीय, लगभग 15 प्रकार के ये पद हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो आवेदन आते हैं कोर्ट की वैकेंसी में, उस वो आते हैं LDC की वैकेंसी में। अब देखिए LDC पर मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ आप देखिए, लिपिक ग्रेड प्रथम और लिपिक ग्रेड सेकेंड, प्रथम के तो हैं 78 पद और सेकेंड के हैं 629 पद वर्तमान में खाली हैं। और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में प्रत्येक साल भर्ती होती है, स्टेनोग्राफर और LDC में तो हो ही जाती है। अब देखिए न्यूज़ पर बात करते हैं, ये तो हुआ खाली पदों का विवरण। लोअर कोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड जल्द शुरू होगी भर्ती। अब देखिए आगे न्यूज़ में क्या क्या जानकारी दी गई है। ये देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड तृतीय के पदों पर जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य विधि एवं विधि कार्य विभाग ने यह जानकारी दी है। विधानसभा में डॉक्टर राजकुमार शर्मा, इंद्राज गुर्जर इस पदों को भरने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। अधीनस्थ न्यायालयों में स्टेनोग्राफर के 382 पद खाली हैं। विभाग का कहना है कि स्टेनोग्राफर के पदों पर 2 साल पहले भर्ती हुई थी। स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकेंड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष प्रारंभ होने की संभावना है। अब यहाँ देख लीजिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड और थर्ड पर। लिपिक ग्रेड सेकेंड की रिक्तियों के संबंध में राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालय संस्थान नियम में कतिपय संशोधन राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति एवं प्रकाशनार्थ लंबित पड़े हैं। यानी कि जो ये LDC वाली वैकेंसी है, इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन मामला सरकार के पास लंबित है अभी। हालांकि भर्ती आनी है, साफ साफ इस न्यूज़ में दिया गया है, लेकिन मामला भी राज्य सरकार के पास लंबित है। तो स्टेनोग्राफर पे तो जल्द काम होने वाला है, शुरू होने ही वाला है, लिखा गया है जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। और LDC में भी आप मान के चलिए थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद LDC पर भी काम शुरू होगा। और ये सारे रिक्त पदों का विवरण आपके सामने है। तो ये कोर्ट वैकेंसी को लेकर आज का अपडेट था, और ये राजस्थान का ही अपडेट है। उम्मीद है जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और ये आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, और आगे कोई जैसे ही अपडेट मिलेगा तो चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।